हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीव्स। लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पादप के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो लीव्स के द्वारा किया जाता है। जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होता है, जो कि एक फूड चेन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो रिलीज होती है। आज हम मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। मोनोकोट जो प्लांट्स होता है, मोनोकोट जो पादप होता है, मोनोकोट पादप के अंदर जो लीफ है उसकी जो पोजीशन है उदगर दिशा में होती है, अर्थात पैरेलल होती है। उसका वेनेशन है वो पैरेलल होता है। पृष्ठाधारी जो लीफ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और समद्विपार्श्व जो फर्न है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतर है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मोनोकोट जो पादप है उसके अंदर जो लीफ है उसकी जो स्थिति है उदगर दिशा में होने के कारण से इसके अंदर प्रकाश या लाइट है वो समान मात्रा में इसके ऊपर सरफेस पर आता है। इस कारण से इसके जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं उनमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें लोअर और अपर क्षेत्र का जो टिश्यू होता है वो एक समान होता है। अर्थात इसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पंजी या पैलिसाइड है इस प्रकार का इसमें विभेदन नहीं पाया जाता। इसमें जैसे हम डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके अंदर डायग्राम के अंदर सबसे अपर है वह अपर एपिडर्मिस है, लोअर पार्ट के अंदर लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और जो लोअर एपिडर्मिस है वह एक कोशिकीय मोटी लेयर है जो जिसके ऊपर क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम डायग्राम में ये भी देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ सेल्स होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं एपिडर्मिस की, जिसे हम बुल्लीफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। ये एक ज़ीरोफेटिक करेक्टर भी है इस प्रकार से पाया जाना लीफ में। इसके अलावा लीफ के अंदर हम देख रहे हैं कि सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है, उपरंद्रीय गुहा पाई जाती हैं जिसके अंदर स्टोमेटा होते हैं। इसके अलावा अपर और लोअर एपिडर्मिस उसके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे मेसोफिल कहते हैं, पर्ण मध्योतक कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो सेल्स होती हैं वह मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं जिसके अंदर हरित ऊतक हरित लवक प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें किसी प्रकार का टिश्यू में विभेदन नहीं है, अर्थात स्पंजी या पैलिसेड टिश्यू अलग अलग नहीं पाया जाता जैसे कि डोर्सी वेंट्रल लीफ में ये पाया जाता है। ये जो मेसोफिल की सेल्स होती हैं पतली भित्ति की होती हैं, गोलाकार या ओवेयर शेप्ड में इरेगुलर सेल्स होती हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल की हम बात करें तो चूंकि इसके अंदर समांतर शिरा विन्यास होता है, पैरेलल शिरा विन्यास होता है इसके अंदर, जिसके कारण से इसमें बड़े व छोटे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और क्लोज प्रकार के होते हैं। संयुक्त, समपार्श्विक और क्लोज
अतः इसमें केम्बियम वगैरह इसमें अब्सेंट होती है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल केम्बियम अब्सेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पेरेन्काइमेट्स या मर्दूत की कोशिकाओं का आवरण प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार से आवरण प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रेजेंट हैं, तो जाइलम के अपर एपिडर्मिस के नीचे जाइलम होता है और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके नीचे के साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जो बंडल शीथ होती है, बंडल शीथ के अपर और लोअर साइड में, वेस्कुलर बंडल के अपर और लोअर साइड में कुछ दृढ़ोती कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसके अंतर्गत उसमें स्टेनकाइमेट्स सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल टाइप से जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, आइसोबाइलेटरल यानी समद्विपार्श्व जो लीफ है।